हाल ही में इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर अलका याग्निक ने एक पोस्ट के थ्रू ये बताया कि कुछ दिन पहले जब वो फ्लाइट से बाहर निकले तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और जब उन्होंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि उनको एक रियर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस हुआ है, वो भी एक वायरल अटैक की वजह से, जिसके बारे में वो कम्प्लीटली अनअवेयर थी। वो अपने सारे फैंस और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहती हैं जिन्होंने उनके लिए प्रे किया, और रिक्वेस्ट भी की कि वे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक और हेडफोन्स में बहुत तेज़ गाने ना सुने। तो आइए इस वीडियो में डॉक्टर से जानते हैं कि क्या है सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस। लेकिन उसको जानने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कान के अंदर के हिस्से के सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स में खराबी आती है, जिससे सुनाई कम देने लगती है। ये एक कान या फिर दोनों कान में हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का सबसे आम कारण है बढ़ती उम्र, जिसमें नस के सेल्स उम्र के वजह से कमजोर हो जाती है। जवान लोगों में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का सबसे अहम कारण है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसमें तेज आवाज सुनने के कारण कान के अंदर के हिस्से के सेंसिटिव हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। 85 डेसिबल से ज्यादा अगर कोई तेज आवाज घंटों भर सुने तो उसकी आवाज कम हो सकती है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के दूसरे कारण है इन्फेक्शन, जैसे मीजल्स, मम्स, मेनिनजाइटिस। वायरल इन्फेक्शन से भी सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकती है। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसे दवाइयां हैं जिससे सुनाई में कम हो सकती है कान के अंदर के हिस्से के हेयर सेल्स में डैमेज होने की वजह से। सर या कान पे गहरी चोट लगने से भी कान का नस डैमेज हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का असाधारण कारण ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कुछ लक्षण हैं: सुनाई में कम देना, टिनिटस होना जो कि कान में सन सा आवाज कंटिन्यूस रहना, फोन पे वार्तालाप करने में मुश्किल होना, धीमी आवाज नहीं सुनना। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो कि सडन अचानक से सुनना कम होता है, उसका ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड्स, एंटीवायरल मेडिसिन, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अगर परमानेंट हियरिंग लॉस है तो ट्रीटमेंट है हियरिंग एड्स एंड कॉकलियर इम्प्लांट। कान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके कान में दर्द हो या इन्फेक्शन हो तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए। तेज आवाज नहीं सुनना चाहिए। हेडफोन्स का भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर हेडफोन्स का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वॉल्यूम धीमी या मध्यम पे रखना चाहिए। हमें हेल्दी डाइट का रेगुलर रूटीन का पालन करना चाहिए। खाने में फल और सब्जी खाने से हमारी इम्यूनिटी और बॉडी के सभी नस स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्मोकिंग जैसे एडिक्शंस हमारे बॉडी के लिए एज वेल एज हमारे हियरिंग के लिए हानिकारक होती है। धन्यवाद।